हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आ गए हैं सरोजनी मार्केट चंडीगढ़ की। अब आप बोलोगे कि चंडीगढ़ में तो सरोजनी मार्केट है ही नहीं है। चंडीगढ़ की शास्त्री मार्केट को सरोजनी मार्केट बोला जाता है यहाँ की लैंग्वेज में। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो सरोजनी मार्केट तो वैसे तो दिल्ली में है, वो दिल्ली की वन ऑफ द फेमस मार्केट है। तो आज तक बहुत बार मैंने सरोजनी मार्केट एक्सप्लोर करी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो फर्स्ट टाइम हम चंडीगढ़ की शास्त्री मार्केट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि सेक्टर 22 में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी 11 बजे है, शॉप ओपन हो रही है, कुछ हो चुकी हैं, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्या सरोजनी जैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता है या नहीं। यहाँ पे इस तरीके से रोड साइड थड़ी लगी हुई है, चलिए इन्हीं से स्टार्टिंग करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। इन स्लिंग बैग्स का प्राइस था 300 और इन शर्ट्स का प्राइस था 200। जो जो स्टार्टिंग के स्टॉल थे, इन सब का प्राइस 200 और 300 की रेंज में था। यहाँ पे आपको साथ साथ में कैफे वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप खा पी भी सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर रोड के एक तरफ शॉप्स हैं और दूसरी तरफ थड़ी लगती है। सो सबसे पहले हमने थड़ी वाले एरिया से स्टार्ट करा। यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं उनका प्राइस आपको 100, 200 और 300 की रेंज तक देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये सारा डेनिम की कलेक्शन का स्टॉल था। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शर्ट्स थी और नेक्स्ट इस स्टॉल पे डिफरेंट डिफरेंट वाइट कलर की कुर्ती मिल रही थी, शर्ट्स मिल रही थी। बस मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को देख रही थी, बट इस वाले एरिया से मैंने कुछ भी नहीं दिया था। कपड़ों में आपको यहाँ पे नाइट सूट, ट्राउज़र, शर्ट, टॉप, इसके अलावा कुर्तीज़ और भी बहुत सारी कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही नहीं, आपको ज्वेलरी, एक्सेसरी कलेक्शन, फ़ोन कवर्स, फुटवियर और यहाँ पे एक बॉटल्स का छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। डेकोरेशन मटेरियल भी यहाँ पर अवेलेबल था। बात करें कपड़ों की, तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ रहा था हर चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिक्सड ही इन स्टॉल्स पर लगा हुआ था। जैसा कि ये कुर्तीज़ हैं, वाइट कलर में सारी मोस्टली कुर्तीज़ थी और डिफरेंट डिफरेंट उन पर डिज़ाइन बना हुआ था। नेक्स्ट ये स्टॉल है 150 का और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के टॉप लगे हुए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट बॉटल्स और कप्स मिल रहे थे। इस वाली थड़ी पे सारे के सारे वाइट टॉप्स थे। यहाँ पे मुझे दिखी एक बहुत ही प्यारी कुर्ती, इसका मुझे कलर भी अच्छा लगा, बट साइज़ इशू था। आजकल ये शॉर्ट कुर्तीज़ बहुत ही ट्रेंड में चली हुई है। अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत अच्छी कलेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। बस यही है कि आपको स्टॉल को थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं शॉप्स वाली साइड पे। यहाँ पे सारी शॉप बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें मिला ये कुर्ती का सेट, इसके साथ पैंट प्लाजो भी था और इसका फिक्स प्राइस था 400। इस शॉप पे जितने भी कपड़े मिल रहे थे, जितनी भी कलेक्शन थी, सबका फिक्स प्राइस था। यहाँ पे मैं कलर चूज़ कर रही थी कि दोनों में से कौन सा लूँ। यहाँ पे सभी कुर्तीज़ का सेम प्राइस था, अलग अलग डिज़ाइन की यहाँ पे कलेक्शन थी, बहुत प्यारे प्यारे कलर थे। तो यहाँ से मैंने एक लिया, बार्गेनिंग का कोई काम नहीं था, इनका फिक्स प्राइस था। इसके अलावा यहाँ पे अनारकली की कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी, बट मैंने ये सूट अपने ऑफिस के लिए लिया है। नेक्स्ट मैं फिर से आ गई शॉर्ट कुर्ती के स्टॉल पे। यहाँ पे इन कुर्तीज़ का प्राइस 700 था और मैं यहाँ पे अलग अलग कलर को देख के ट्राई कर रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा। पता नहीं लग रहा ये है क्या है। ये ग्रीन टॉप बिल्कुल मैट की तरह लग रहा था। नेक्स्ट हम इससे आगे निकल गए और शॉप्स को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे मैंने इस वाइट कुर्ती का प्राइस पूछा तो उन्होंने 450 बताया और उसके बाद बिना किसी बार्गेनिंग के खुद ही उन्होंने 150 बोल दिया। मेरे पास इसके जैसा पहले था, इसलिए मैंने फिर से नहीं लिया। यहाँ पे फुटवेयर की कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी, टॉप्स वगैरह, सूट्स की कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी। तो इस साइड ये सारा है शास्त्री मार्केट, हमने सामने भी एक्सप्लोर किया है, आपको दिखाया वीडियो में। उस साइड तो काफ़ी भीड़ रहती है, चलने तक के लिए बहुत कम स्पेस रहता है उस साइड। और इस साइड पूरी प्रॉपर शॉप्स वगैरह है और सामने थड़ी लगती है। मैंने ये लिया अपने कज़न के लिए, 150 का बोल रहे थे, मैंने तो कम भी नहीं करवाया, खुद ही उन्होंने 80 रुपये का लगा दिया। अब देखते हैं घर जाके उसको कैसा लगता है ये। अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं शास्त्री मार्केट के बोर्ड के जो बिल्कुल ऑपोजिट वाली मार्केट है। यहाँ पे जितनी भी ये शॉप्स हैं, इन सब का फिक्स प्राइस होता है। यहाँ पे लगा आई लव सेक्टर 22
वाओ ये कितने प्यारे लग रहे हैं, पहले तो मुझे लगा सूख गए हैं। इन सबके प्राइस 650 है। इस साइड की जो सारी मार्केट है, शॉप्स है, काफ़ी बढ़िया यहाँ की सूट है और प्राइस भी फिक्स है। काफ़ी प्यारे फूल लगाए गए हैं इस साइड। इस साइड पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, काफ़ी बड़ा एरिया है। हम थक चुके हैं बुरे तरीके से, तो अभी हमने एक्सप्लोर किया शास्त्री मार्केट को, रिव्यू घर जाके देंगे, साथ में ये भी शेयर कर दूंगी कि क्या क्या लेकर आई हूँ और कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए अभी यहाँ से एग्जिट लेते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया था। फर्स्ट वन, मैंने ये कुर्ती ली थी, इसके साथ प्लाजो मिला 400 रुपीज में। तो 400 का है तो स्टफ तो नॉर्मल सा ही है, मतलब एक सीजन आप आराम से पहन सकते हो। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की, तो गले पे कुछ इस तरीके का डिजाइन मिल रहा है, बाकी स्लीव्स पे भी प्लाजो के साथ का यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है और जो प्लाजो का बॉटम है उस पे कुर्ती का मैचिंग कपड़ा लगा हुआ है, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड सूट की, ये मैंने अनस्टिच्ड लिया है, ये कॉटन का सूट है, कुछ ऐसा लाइट पिंक कलर लिया है और कुछ ऐसा इसके सूट का डिजाइन है, सारा इसके ऊपर यही डिजाइन बना हुआ है और गले पे कुछ इस तरीके का है और ये इसके साथ का दुपट्टा है कॉटन का। अब एक बार वॉश करने के बाद पता लगेगा कि ये किस तरीके का कपड़ा निकलता है। अब बात करते हैं थर्ड सूट की, ये मैंने जो शास्त्री मार्केट का बोर्ड आपके साथ शेयर करा है वीडियो में उससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लिया है, इसका कुछ इस तरीके का दुपट्टा है तो काफी प्यारा कलर लग रहा है। ये मैंने अपनी मामा के लिए लिया है और पूरे के पूरे सूट पे इस तरीके से छोटे छोटे स्टोन का वर्क हुआ हुआ है, बॉटम में कुछ इस तरीके का वर्क है, तो ये लिया है मैंने अपने लिए सूट। वीडियो में कलर बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया है बट यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है। स्लीव पे कुछ ऐसा वर्क है सेम एज इट जैसा कि नेक पे मिल रहा है, बॉटम में कुछ इस तरीके का डिजाइन है, फूल बने हुए हैं फ्रंट पे और इसके साथ ही लास्ट में फिर से इस तरीके से लेस का काम हुआ है, इस तरीके का इसका ये दुपट्टा है, चारों तरफ से इस पे लेस का वर्क मिल जाएगा और बाकी सारे का सारा दुपट्टा प्लेन है। बस यही मैंने वहां से शॉपिंग करी है। उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।